हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईफा स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? सब कुछ ओके है तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो सेशन है बहुत ही प्यारा होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। हम लोग मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं और अभी आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय हितेश सर। ये जो है हमारा फ्री क्लास होता है, ये आप ज़रूर देखा करें। 2:15 पर SSC कैटेगरी में और शाम 7 बजे रेल भी SSC कैटेगरी में। सुबह जो है आजकल 9 बजे क्लास चलता है वो रेलवे कैटेगरी में। इसके अलावा ये हमारा क्विज का टाइमिंग होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नया बैच जो है आपका 12 नवंबर, यस 12 नवंबर जो डेट है, इस पे 4 बजे शुरू। और यहाँ पर जो है हितेश 10 लगाकर आप NTPC और ग्रुप डी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं तरीके से। इसके अलावा CET एग्जाम के ऊपर आधारित SSC कैटेगरी में 12 से 1 16 नवंबर से बैच आ रहा है, जिसको आप हितेश YT या हितेश 10 लगाकर अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हैं और माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। यहाँ पर आज का जो सेशन है तरीके से करिए और क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा और जल्दी कौन करता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ये आपका अपना क्लास है। तरीके से शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो मज़ा आपको भी आएगा और मज़ा हमें भी आएगा। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए और आंसर अच्छे से बतलाइए क्या होगा, ज़रा सा समझाइए। और जिंदगी में जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथ, है ना? तो आपका वो साथ होना चाहिए, बाकी तो लाइफ में सब अच्छा होगा। तो यहां पर अगर हम देखें क्या हो रहा है, 1001 यहां पर देखें तो 10 का क्यूब प्लस 1 है ये, 4 का क्यूब प्लस 1 है ये, 7 का क्यूब प्लस 1 है ये जो है 2 का क्यूब माइनस 1 है। दैट इज वाई सी विल बी राइट आंसर फॉर यू। सी जो है डियर फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आइए, इसमें श्रृंखला पूरा करना है तो प्रयास कीजिए। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला जो है वो आपको बताना है कि क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर बताइए। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? ध्यान से, आराम से। क्या बात, क्या बात, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 है, 11 है, 26 है, 49 है, अगला क्या होगा फिर 127 है। सबसे पहले गैप अगर निकालें तो 9 का गैप, फिर 15 का गैप, फिर 23 का गैप। यहां से पता चल रहा है कि ये 6 फिर 8 तो अगला 10 बढ़ना चाहिए, तो ये 33, 9 3 12, 4 3 7 1 8, तो 82 हो गया। तो 82 आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं पर कोई तकलीफ ही नहीं है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है ना। चलिए इसका जरा उत्तर बतलाएं डियर, क्या लग रहा है? बहुत ही तरीके से चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा चल रहे हैं आप। जिंदगी में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो आपको, यही हम चाहते हैं, यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारी इच्छा है। क्या बात, क्या बात, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार चल रहे हैं आप लोग। आराम से आंसर करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार में हो सकता है समझ में नहीं आए। एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें जो कॉन्सोनेंट है डियर फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट जो है उसमें +2 हुआ है और जो वॉवेल है उसमें 0 ऐड हुआ है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ 4 तो 4 2 6 हो गया। इसमें अगर देखिएगा टी जो है 20 होता है तो 20 + 2 22 हो गया, 9 को एज इट इज लिख दिए और 16 है तो इसको एज इट इज लिख दिए, है ना। तो 16 को तो 2 एक्स्ट्रा लेंगे ना, 16 को 2 एक्स्ट्रा लेंगे तो 18 हो जाएगा ये। तो 18 9 27 और 20 47 2 49 हो गया ये। डेंस की अगर बात करें, DENS डेंस की अगर बात करें तो ये क्या होगा, डेंस की अगर बात करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डी 4 है तो 4 2 6 हो जाना चाहिए, 4 2 6 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 6 लेते हैं इसको, फिर 0 लेते हैं, फिर 16 लेते हैं, फिर 19 लेते हैं, 21 क्योंकि 2 एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं, फिर यहाँ पर हम पा रहे हैं कि 6 1 7 6 13 और उसके अलावा क्या होगा, फिर उसके अलावा 2 1 3 तो 33 हो जाना चाहिए, 33 तो ऑप्शन में है नहीं। तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, किसी का छोड़ दिया क्या हमने? देखो हम ई को 0 लेके चल रहे हैं, यही तो गड़बड़ हो जाता है, यही गड़बड़ हो जाता है हर बड़ी में। इसका 5 लेंगे तो सही, हम लोग इसका 5 लेंगे तो सही। तो 4 2 6 5 16 और 21, तो 6 1 7 5 12 6 18 बाकी 1,
दो एक तीन एक चार, 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 48 इज द राइट आंसर फॉर यू। 48 जो है डियर फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर है। अगले में आते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो ज्योग्राफिकल में से किसको बनाया जा सकता है, विच पेयर कैन बी मेड। इसका आंसर जरा बतलाएं क्या होगा, जरा सा समझाएं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय, बहुत ही प्यारा। तो यहां पर अगर हम देखें डियर फ्रेंड्स, बायोग्राफिकल इसका जो आंसर है वो कैसे होगा, तो ध्यान देने वाली बात है। आप कह रहे हो सर सी होना चाहिए, क्यों, ये सी है, ये ओ है, ये आर है, ये ए है, ये एल है, कोरल, तो सी आपका राइट आंसर है, सी फॉर कैट आपका राइट आंसर है, कोरल इज द राइट आंसर, गो फॉर द नेक्स्ट। इसमें अगर हम देखें, पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना, इसमें अगर हम देखें ये आपका डायरेक्शन का जो क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो जरा इसका आंसर बतलाइए क्या होगा, जरा सा समझाइए। देखिए दिवाली में सब व्यस्त हैं, हमें पता है सारे बच्चे चाहते हैं कि त्यौहार बढ़िया से मनाएं, पटाखे छोड़ें, सब कुछ करें, लेकिन जिंदगी में जब भैया लक्ष्मी माँ का कृपा होगा, सैलरी आपकी अगले दिवाली तक आएगी और आप सरकारी नौकरी में होंगे, वो जो प्यार होगा, वो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो हम देखना चाहते हैं। दिवाली अच्छी होनी चाहिए, अगली बार सरकारी नौकरी में आप होंगे और आप सफल रहेंगे। प्रशांत पश्चिम दिशा में 20 चला, फिर अपने दाई ओर 20 चला, ठीक है भैया, पहले इसको 20 चला दो, फिर दाई ओर 20 चला दो, फिर हर बार बाई मुड़कर 8, 16, ठीक है, 8, 16 और कितना चला है, 25 चला, 8, 16 और 25, तो 25 चला, ठीक है ना, तो इधर गया था वो कितना 20, 8, 28, आया कितना 25, तो बच गया कितना ऊपर 3, नीचे गया था कितना, ऊपर गया था कितना वो 20, आया वापस कितना 16, तो ये कितना बच गया 4, तो ये वाला एरिया पता करना है। तो आपको पता है कि H यहाँ अगर है तो यह 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है ये आपको पता करना है, तो 5 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर डियर, कहीं पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आपको, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगले में आइए, इस प्रश्न को दिखलाइए क्या होगा, जरा सा समझाइए। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे तरीके से पढ़ें, माँ बाप का नाम रोशन करें, मेहनत जारी रखें, हार जीत पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेहनत पर आपका कंट्रोल है ब्रदर, मेहनत जारी रखें, उसके बाद तो आप सब कुछ कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, धुआंधार, जिंदाबाद। तरीके से इसका आंसर बतलाइए क्या होगा, जरा सा समझाइए, बहुत ही शानदार चल रहा है आप लोग, बहुत ही बढ़िया चल रहा है आप लोग, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 13, 4, 17, 4, 21, 4, 25 वाई हो गया, ये 4 घटा, फिर 4 घट गया, फिर 4 घटेगा, तो 4 घटने का मतलब क्या होगा, 12, 4, 16 एल, तो वाई एल आपका राइट आंसर हो गया, वाई और एल आपका राइट आंसर हो गया। अगले में आइए, इस प्रश्न को देखिए और इसका जो उत्तर है वो बतलाइए क्या होगा। ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, 42 है, 39 है, 40 है और 41 है, तो इसका जरा आंसर बतलाइए क्या लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जस्ट डू इट। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर बतलाएं, और आंसर एकदम तरीके से जब आप करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर सैम जो है बाएं से 15 है, हीर दाएं से 9 है, स्थान बदल लिया तो सैम बाएं से 33 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा फिर, 9 प्लस 33 माइनस 1, 33 और 9 42 माइनस 1, यह 41 के बराबर हो गया, 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बाबू, कहीं कोई असुविधा नहीं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर कोई तकलीफ नहीं, सीधा बात दिमाग तक जा रहा है और आराम से आप आंसर कर रहे हैं, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए।
बस ऐसे ही आप दिवाली मनाते रहो, नौकरियां लेते रहो और हमें आंसर सही सही करके दिखाते रहो। हमारी भी तो यही इच्छा और अभिलाषा है कि हम आपको जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी में देखें। ठीक है, तो इस बार प्रण लेना है दिवाली में लक्ष्मी माँ के सामने कि माता जी अगले साल सरकारी नौकरी में हमको रखिएगा ताकि हम आपका और भी सेवा अच्छे से कर पाए और भी बढ़िया से हम आपके लिए प्रयत्नशील तरीके से आगे बढ़ पाए। बस आप हमें साथ दीजिए, ठीक है ना। चलिए यहां पर अगर हम देखें इसका जो आंसर है वो क्या होगा, गौर करिएगा, गौर करिएगा। इसका जो आंसर है 6 का स्क्वायर 36 और 2 का क्यूब 8, दोनों मिलकर 44, 8 का स्क्वायर और 5 का क्यूब तो 64 और प्लस 125 ये हो गया, 5 का स्क्वायर 4 का क्यूब 25 और प्लस 64 तो ये कितने के साथ चला गया, 89, तो 89 आपका राइट आंसर हो गया। बात समझ रहे हो, पहले वाले का स्क्वायर हुआ है और दूसरे वाले का क्यूब हुआ है, दोनों को जोड़ दिए हैं तो उसके साथ साथ आंसर आ गया। क्लियर, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी तकलीफ, चीजें समझ में आ रही हैं। अगले में चलें, चलिए ना, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत ही शानदार चल रहे हैं आप लोग। इसका जरा आंसर बतलाएं गुरु क्या होगा, तरीके से क्या बात है। तो बच्चे कह रहे हैं सर इसका आंसर तो बी हो जाना चाहिए गुरु या ए हो जाना चाहिए। सबसे पहले देखो सी ओ एन सब में, एन के बाद 2 और 4 में एस है तो स्टार्टिंग तो 2 और 4 से ही होगा। ठीक है भैया, अब 2 में एस के बाद ई है, 4 में आई है तो 4 वाला हो गया खत्म। तो अब कंटिन्यू पहला ये हो जाएगा 2 नंबर और दूसरा जो है वो 4 नंबर। ठीक है, सी ओ एन टी ई, एन पहले आएगा ऑब्वियस सी बात है और ये बाद में आएगा तो 1 और 3 तो इसलिए 9 का ए आपका राइट आंसर है। इसमें आइए डिनोटिंग, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, यहां पर जो पूछा जा रहा है बाबू पेयर पूछा जा रहा है, कितने जोड़े हैं, आपको क्या पूछा जा रहा है जोड़ों की संख्या बताइए, कितने पेयर हैं कितने जोड़े हैं, इसका जरा उत्तर आप बताएं क्या होगा, जरा सा समझाएं और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, डिनोटिंग शब्द में कितने जोड़े हैं जिनसे प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने शब्द अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, तो जरा इसका उत्तर एक बार आप बता दीजिएगा क्या होगा, जरा समझा दीजिएगा और उसके बाद हम लोग साथ में रहेंगे। देखो डिनोटिंग शब्द है डी ई एन ओ टी आई एन जी, तो डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं है, ई एफ जी एच आई ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, टी यू नहीं है, आई जे के नहीं है, एन ओ नहीं है, जी एच आई जे के एल एम एन नहीं है, एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, आई जे के एल एम एन नहीं है, टी यू भी नहीं है, ओ पी क्यू नहीं है, एन ओ पी नहीं है, ई एफ नहीं है, तो टोटल जो पेयर है वो 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 5, 5 आपका राइट आंसर है। क्लियर डियर, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी तकलीफ, अगला में आ जाओ। आपको बोला जा रहा है कि 11:55 पर, जी हाँ सही सुना आपने, है ना, 11:55 पर कितने समय का मिरर इमेज बनेगा, दर्पण छवि बनेगा, तो जरा इसका उत्तर एक बार आप बतला दीजिएगा क्या होगा, जरा समझा दीजिएगा तो मजा हमें भी आ जाएगा, मजा आपको भी आ जाएगा, तो जरा एक बार उत्तर बतलाइए क्या होगा, समझाइए क्या होगा, समझाइए जबरदस्त। किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 11:55 दिखाएगी, गौर करना, जब कभी 11:55 की बात आती है हम लोग 63:60 से घटाते हैं और 11:55 को जब हमने 63:60 से घटाया तो हमने पाया कि इसका जो मिरर इमेज है वह 12:05 बजेगा, कितना 12:05 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12:05। गो फॉर द नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका जरा उत्तर बतलाइए क्या होगा, यह जो है इसका जरा आंसर बतलाएं क्या होगा।
क्या लग रहा है आप, वॉट कैन यू थिंक द राइट आंसर फॉर दिस, जरा इसका आंसर बतलाइए और आगे बढ़ जाइए तरीके से। जबरदस्त चल रहे हैं आप लोग, शानदार चल रहे हैं आप लोग, तरीके से चल रहे हैं आप लोग। क्या बात, क्या बात। इसको अगर हम देखें, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, तो आप क्या देख रहे हैं कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो जब क्रॉस के सामने में चार बिंदु है तो ए ऑप्शन हमारा ऐसा है जो नहीं बन पाएगा, तो इसलिए अपना जो आंसर है वो ए ऑप्शन के साथ चला गया। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रहा है जी, कहीं पर दिक्कत है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, अगले में आओ। कितने त्रिभुज हैं इसमें, हम आपको दो बार पोल देंगे, तरीके से देखिए और आंसर बतलाइए। टू टाइम्स आई विल प्रोवाइड पोल फॉर यू, इसका जरा उत्तर बतलाइए क्या होगा। जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन चल रहे हैं आप लोग, तरीके से चल रहे हैं आप लोग, और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे आंसर करें जरूर, समझाएं जरूर, आगे बढ़ जाएं जरूर। बेहतरीन, धुआंधार, जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है। तो यहां पर गौर करिएगा, एक बार और पोल दे देते हैं हम, उसके बाद आंसर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, दिमाग में स्ट्राइक करने में हो सकता है समय लग जाए, तो इसीलिए हम दे रहे हैं इसको, और कोई बात नहीं। त्रिभुजों की संख्या बताइए क्या होगा, जरा सा समझाइए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, देखिए गौर करिएगा, यहां पर एक दो तीन चार पांच छह, छह तो ऐसे ही हो गए, ये देखो ऐसे सात, ये देखो ऐसे आठ, ये ऐसे नौ, ये ऐसे दस, ये पूरा ऐसे ग्यारह, ये ऐसे पूरा बारह, तो बारह एक तरफ से निकल गया, इधर से बारह इधर से निकला, दाहिने तरफ चलते हैं और पाते हैं एक दो, ऐसे करके अगर देखें तो तीन चार और पांच, तो बारह और पांच अगर जोड़ देंगे हम तो ये सत्रह के बराबर हो जाएगा। तो मतलब अपना जो आंसर है कि कुल त्रिभुज कितने हैं, तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है डियर, विदाउट एनी प्रॉब्लम, नो इशू, शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट। चलिए इसमें विषम बताना है क्या होगा, ये जो प्रश्न है इसमें विषम बताना है क्या होगा, बताइए। थोड़ा सा स्पीड चलता है क्लास, जब हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें है ना, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि मतलब ऐसा वैसा कुछ भी, समझ रहे हो बात को, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो गौर करना, बीच में ट्रायंगल, बीच में ट्रायंगल, बीच में ट्रायंगल, पर इसमें सारा का सारा ट्रायंगल ऊपर है, तो सारा का सारा जब ट्रायंगल है ऊपर तो कैसे होगा, फिर कैसे होगा बताइए, नहीं ना हो सकता है, नहीं ना हो सकता है जी। चलिए इसको देखिए जरा सा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, इसका आंसर बताएं डियर, लग क्या रहा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, एकदम सही चल रहे हैं आप लोग, एकदम सही चल रहे हैं आप लोग। तो बच्चे कह रहे हैं सर इसका आंसर तो बी हो जाना चाहिए, और मुझे लग भी रहा है कि बी ही होगा, क्योंकि ये उल्टा है, इसका इधर वाला पार्ट कटा हुआ, ये भी उल्टा है, तो बी को छोड़कर और कोई आंसर होगा नहीं, एकदम दिमाग में ये बात बैठ गया आपका, कोनो परेशानी नहीं। क्लास ये थोड़ा सा छुटकू सा छोटा रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे कि भैया दिवाली का माहौल है, क्लास तो हुआ कम से कम, क्लास तो नहीं रुकी, क्लास तो आप देख ही रहे हैं, है कि नहीं, आगे बढ़ जाएं, अरे बोलो भैया आगे बढ़ जाएं। चल तो यहां पर जो बच्चे नए हैं उनको मैं फिर से गुजारिश करूंगा, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का नया बैच, जी हां दोस्तों नया बैच 12 नवंबर से शाम के 4 बजे आ रहा है, हितेश 10 लगाकर ज्वाइन करें,
तरीके से पढ़ने के लिए इससे बढ़िया बैच रीजनिंग का नहीं है। साथ में टॉप एडुकेटर ऑफ इंडिया का मैथ्स, जीके, करंट अफेयर, साइंस ये भी शुरू हुआ है। आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं, अगर दिसंबर 15 आपका टारगेट है, तो इस बार मत चूकिए, बाद में जिंदगी में पैसा आते जाते रहेगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए यह बेहतरीन मौका है। ठीक है, इसके अलावा 16 नवंबर, जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, 16 नवंबर से एसएससी कैटेगरी में मेरा क्लास है 12 से 1, सीटी एग्जाम के ऊपर आधारित। हितेश YT लगाकर आप अभी के अभी ज्वाइन कर लें। इसको ज्वाइन करने के बाद आप एसएससी के लिए निश्चिंत हो जाइए। रीजनिंग तो मैं किंग पढ़ाऊंगा ही आपको, बाकी टॉप एडुकेटर ऑफ इंडिया आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर सब पढ़ाएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, और तरीके से चलना है। ये हमारा फ्री क्लास होता है, इस फ्री क्लास को जरूर इंजॉय क्या करें। 2:15 पर एसएससी कैटेगरी में, शाम 7 बजे भी एसएससी कैटेगरी में, सुबह 9 बजे जो होता है वो होता है रेलवे कैटेगरी में। तो ये क्लास आप जरूर देखिए, माँ बाप का नाम रोशन जरूर कीजिए। ठीक है, जो भी बच्चा हमारा फ्री कोर्स का देखता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, फ्री कोर्स में तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रीजनिंग का बैच हितेश YT या हितेश 10 लगाकर जरूर लीजिए। और ये जब बैच आप लेंगे तो इतना सारा फायदा आपको मिलने वाला है हमारे साथ। ठीक है डियर, और जो बच्चे अभी तक हमें फॉलो नहीं किए हैं उनसे नम्र निवेदन है, फॉलो जरूर करें, हितेश मिश्रा मेरा नाम है, अनअकैडमी पर हमें फॉलो जरूर कर लें और आगे बढ़ जाएंगे। कैसे जुड़िएगा हमारे साथ, सबसे पहले लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, मोबाइल नंबर भर के लॉग इन, गोल सेलेक्ट कीजिए एसएससी या रेलवे, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, जितने महीने का लेना है सेलेक्ट कीजिए। एसएससी में 12 महीने का फीस 5400, 24 महीने का 6480 है आफ्टर यूजिंग हितेश YT, रेलवे में 6 महीने का 3600, 12 महीने का 4500 है आफ्टर यूजिंग हितेश YT। पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, भीम, UPI, EMI इज ऑल्सो अवेलेबल, मंथली पेमेंट भी अवेलेबल है, और इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो चीजें आप देख रहे हो, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वीकली टेस्ट, डाउट, ये सब कुछ मिलेगा यार मेरे कोड से, क्या दिक्कत है भाई, ज्वाइन तो करो, है ना, फ्री में प्रैक्टिस तो करवा रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट तो सीखो, PYP के लिए, अपने डाउट्स के लिए एक बार कोर्स ज्वाइन तो करो। मनी विल कम एंड गो बट टाइम विल नॉट, इसीलिए तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर भर के लॉग इन, गोल सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक, जितने महीने का लेना है वो हितेश YT लगाकर अप्लाई करें या हितेश 10 लगाकर अप्लाई करें और लास्ट में पेमेंट कर दें। इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमें अनअकैडमी पर ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर कोई भी कैटेगरी, चाहे SSC चाहे रेलवे में, जब भी आप मेरा फ्री क्लास देखते हैं तो फॉलो हमें जरूर कर लें, हितेश मिश्रा, है ना, हितेश मिश्रा मेरा नाम है, फॉलो जरूर कर लें आप हमें। और अभी 2:15 में भी हमारा क्लास है SSC कैटेगरी में, तो आप देखने जरूर आइए। उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे जरूर, पढ़ेंगे जरूर, आगे बढ़ेंगे जरूर। तो अच्छे से रहिए, दिवाली मस्त मनाइए, खूब मस्ती करिए, लेकिन सुरक्षित रहते हुए। और कहा जाता है कि कोरोना भी गया नहीं है, तो 2 गज जरूरी, मास्क है जरूरी, इन सब चीज़ों को भी फॉलो करना है, अच्छे से रहना है। और जो भी आप सोचते हैं माता लक्ष्मी से, उनको प्रार्थना करके मांगिए कि अगले साल तक वो चीज़ आपके पास पहुँच जाए। ठीक है डियर, चलिए तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कर हर मैदान फतह, थैंक यू।